नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, तो तैयार हैं आप एक स्वादिष्ट और मजेदार खाने के सफर के लिए। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमारा प्यारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, कई गलत रीजंस की वजह से, कई गलत कारणों की वजह से न्यूज़ में रहा है। वहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं ना, उन्हें सुनकर, उन्हें देखकर सच में बहुत दुख होता है। तो बस हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि वहाँ के हालात जल्द से जल्द सुधर जाएं और वो जो हमारे देश का इतना सुंदर भाग है, वहाँ पे शांति एक बार फिर हो जाए और सब लोग खुश रहें और खुशहाल रहें। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं नॉर्थन स्टेट्स में से एक स्टेट का खाना खाने आज हम पहुँचे हैं, अप टाउन प्रीमियर मॉल, जो कि चार बंगला अंधेरी वेस्ट में है। और इसमें एक प्यारा सा रेस्टोरेंट है, नागा वैली, छोटा सा रेस्टोरेंट है जो स्पेशलाइज करता है नागालैंड के खाने में। तो चलते हैं अंदर, चलकर देखते हैं क्या नागालैंड की स्पेशलिटीज़ हमारे लिए, क्योंकि वहाँ का कुजीन ना हमें हमेशा वो करता है क्यूरियस, कि जैसे वो जगह इतनी क्यूरियस है कि ट्रैवलर्स भी सोचते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, कैसा होगा, तो खाना भी वैसा ही है कि क्या होगा खाने में और कैसा होगा। तो अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि नागालैंड का खाना उन्हीं के जैसा प्यारा और स्वादिष्ट है कि नहीं। आइए। दोस्तों जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स छोटे छोटे प्यारे प्यारे होते हैं ना, खूबसूरत होते हैं, उसी तरह ये रेस्टोरेंट भी बहुत ही छोटा सा, बड़ा ही कोजी सा रेस्टोरेंट है। बड़ी अच्छी फील अंदर आके आ रही है, लाइक पॉजिटिव वाइब्स बोलते हैं ना जिसे। चार टेबल हैं, मेरे ख्याल से 13-14 लोग बैठ सकते होंगे कम्फर्टेबली यहाँ पर, लेकिन फील बड़ी अच्छी है। तो दोस्तों अब आ गई वो घड़ी जिसका मुझे है इंतज़ार कि नागा खाने में क्या क्या मिलेगा। तो ली, कैन यू हेल्प मी विद द मेन्यू प्लीज? थैंक यू। ये है इनका मेन्यू कार्ड एंड एज आई कैन सी बहुत सारी नागा वैरायटी है और टोटली एकदम स्पेशलाइजिंग इन नागा कुजीन ओनली, सिर्फ नागालैंड का खाना है इनके पास। फिश में, चिकन में, वेज में, पोक में, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इनके पास। सो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से मैं क्या क्या खाऊँ, क्योंकि कुछ नाम भी ऐसे हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रहे, बट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीचे अच्छे से। बट मैं काम करता हूँ, मैं ली की हेल्प लेता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि मैं क्या खाऊँ। ली प्लीज़ कैन यू हेल्प मी विद द मेनू कार्ड? आओ ना, बैठो ना प्लीज। तो खाओ दोस्तों, मेरे साथ बैठ गए हैं ली, जो इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं, बड़ा ही यंग एंड हैंडसम बॉय हैं एंड वेरी स्वीट। और जब मैंने इनसे पूछा कि हिंदी आती आती है, तो व्हाट यू सेड? स्मॉल हिंदी। तो ली, बहुत इंटरेस्टिंग मेन्यू कार्ड, वेराइटी ऑफ नागालैंड डिशेज, एंड एज यू टोल्ड मी कि पूरा हम लोग नागालैंड के फूड में ही स्पेशलाइज करते हैं। बट अब मैं हो रहा हूँ बहुत कंफ्यूज, क्योंकि इतनी वैरायटी और हर डिश इज सो टेम्पटिंग टू ईट व्हेन आई सी इट, सो आई रियली कांट अंडरस्टैंड। और आज मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन, सो आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या खाऊं जिसमें मुझे बहुत सारी वैरायटी टेस्ट करने को मिल जाएगी। यू कैन ट्राई आवर नागा चिकन थाली। सो लाइक चिकन थाली, यू गेट टू चूज लाइक वाइट राइस और पर्पल राइस। ओके, सो इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, देन लाइक यू गो फॉर पर्पल राइस, व्हिच इज आवर लोकल राइस, एंड देन अलोंग विद दैट लाइक यू गेट नागा स्टाइल चिकन करी, ऑलराइट, व्हिच इज कुक्ड इन लाइक अ ड्राई बैम्बू शूट इन नागा स्टाइल। ओह वाओ, एंड देन अलोंग विद दैट लाइक यू विल गेट लाइक स्टीम वेजिटेबल्स एंड बॉइल्ड दाल, राइस एंड देन चटनी। ओह, सो आई गेट अ गुड एग्जांपल ऑफ जो पूरा नागालैंड का खाना है, वो एक पूरा थाली के अंदर ही आ जाएगा। दैट्स वेरी नाइस। तो इनके पास मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, दे गॉट अ नागा फिश थाली ऑल्सो, अ पोक थाली ऑल्सो, एंड ये जो नागा चिकन थाली जो मैं आज ऑर्डर करने वाला हूँ। सो ली, एज पर योर सजेशन, आई विल गो फॉर द नागा चिकन थाली, सो प्लीज कैन यू हेल्प मी विद दैट? श्योर, थैंक यू ली। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ खाने का इंतजार, और इंतजार करते करते ना मुझे बड़ी खूबसूरत यहाँ पर चीजें दिखी हैं, तो इनके बारे में मेरे दोस्त ली ही हमें बताएंगे। सो ली, दीज थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट दिस? सो लाइक दिस आर लाइक अ बीटल कोर्ट लाइक फैमिली, सो इट्स अ ड्राई वन, सो इट्स एम्प्टी लाइक इनसाइड, इट्स मेड ऑफ बीटल कोर्ट, लाइक द बीटल कोर्ट इज द लॉकी फैमिली, लॉकी फैमिली, अच्छा, सो इट्स अ फैमिली ऑफ दैट, सो लाइक आवर फादर्स दे यूज्ड टू carry these for like a water or like a rice beer, like when to traveling or okay. At home, like we don't have that time, like like cup, glasses and stuff. Can I see it? Yeah, sure. Oh, this looked heavy, but they both see light और हल्का है, और जैसे इसने कहा कि लॉकी फैमिली बीटल गॉड से बनता है ये, और जो इनके एंसेस्टर्स पूर्वज थे, जब भी वो लोग ट्रैवल कर रहे होते थे तो इसमें पानी या राइस बियर वो लेके जब लंबा ट्रैवल करते हो तो इसमें लेकर जाते थे। दिस थिंग लुक्ड सो हैवी ओवर देयर, बट इट इज वेरी लाइट, बहुत ही हल्का। दिस आर लाइक बैम्बू कप, सो लाइक दे वी यूज्ड टू हैव अर्लियर डेज, लाइक वी डोंट हैव कप, सो लाइक वी यूज दिस बैम्बू। ओके,
ये बैम्बू से बने हुए हैं, ड्रिंक्स के लिए यूज़ किए जाते थे पहले जब कप्स नहीं होते थे, और ये बड़े ही ट्रेडिशनल और सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पर नागालैंड की जो उन्होंने डिस्प्ले में रखी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वेरी ब्यूटीफुल. And these are baskets like which are like all like handmade from bamboo. So like these baskets are small. Like these are like showpiece only. अच्छा अच्छा. But like we used to keep like this as a, like this. Okay. अब यही बात ना मुझे हिंदी में बता. हाँ. ये basket किससे बना है? Bamboo से. Bamboo से. और ये इसका काम क्या है? सामान रखने के लिए. अरे वाह, सामान रखने के लिए. How sweet. तो बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं. Just like him, sweet boy. And very nice, typical Naga styles. Yeah. चलिए बैठते हैं. Leave as the food. I'm feeling hungry now. Yes. Ah. So this is your Akoni chicken wings. Exoni chicken wings. Yeah. It's very good. Yeah, please. Hey. Naga style chicken wings. आजकल KFC के chicken wings वगैरह बहुत खाते हैं. अब ये Naga style की chicken wings हम खा के देखते हैं. Lee. What is this masala or coating on this? Kisse? Come here. There is no masala. We haven't put anything masala. Ah. So like just a simple fried and like the base is made of akuni. Akuni. So that this is a fermented soyabean. Soyabean. Okay. Yeah, fermented soyabean paste that is called akuni. वो लगी हुई है इसके ऊपर. Let me just try it. Hmm. बहुत ही different taste. From the chicken wings that we usually eat. वैसे मैं लोग आपको कहा था ना unexplored cuisine है, इसलिए हर taste will be a surprise today because this food is really good. Yummy. Thanks Lee. तो एक पीस खा गया लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है. इतनी मज़ेदार है, इसमें ना एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर भी है, और जो फर्मेंट करके जो सोयाबीन की पेस्ट तो लगाई गई है ना, वेरी यूनिक फ्लेवर. तो दोस्तों आगाज तो बहुत अच्छा था. अकोनी चिकन विंग्स खा लिए, अब मैं वेट कर रहा हूं थाली की, और थाली रेडी है. ली लेके खड़ा हुआ है. ली प्लीज. ओके, पर्पल राइस, दे लुक सो पर्पली. Which chutney is this? This is like dry chili chutney. Dry chili chutney, okay. This is, yeah, this is dal. Okay. ओके, तो दाल आ गई, चिकन आ गया, ये स्टीम वेजिटेबल्स हैं. इसमें आपने क्या दिया? लेटस दिया, आइसबर्ग. दिस इज कैबेज, कैबेज स्क्वैश, एंड दिस इज पंपकिन. ओके, वेरी नाइस. तो दोस्तों नागालैंड की थाली सज गई है मेरे सामने, जैसे कि आपने देख लिया होगा. अब जनरली ना हम लोगों में एक मिथ है कि पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट वो लोग वेजिटेबल बहुत कम खाते हैं, क्या ये सच है? नो, लाइक वेजिटेबल इज अ मास इन आवर डिश. सो लाइक वी ऑलवेज, our food is like mostly cooked like with steam or like with no oil, zero oil free. So okay. Like vegetables are must in our okay day. So हाँ ली हमें बता रहा है कि जो नागा फूड है जिसके बारे में मैंने पढ़ा भी काफ़ी है, इनमें जो ऑयल और स्पाइसेस का ना बहुत कम यूज होता है, मोस्टली दिस इज स्टीम्ड. एंड वेजिटेबल्स मस्ट हैं उनके खाने में, मतलब कोई भी डिश वेजिटेबल्स के बिना कंप्लीट नहीं होती. तो बहुत सारी ये लोग वेजिटेबल्स खाते हैं. और ये जो रेड चिली मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, आपने बोला ड्राई चिली की ये चटनी है. एक आपके वहाँ बहुत एक स्पाइसी चिली मिलती है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ. भूत झलकिया, वो दुनिया की सबसे स्पाइसीएस्ट चिलीज में उसका नाम आता है. बट थैंकफुली आपने उसकी नहीं दी मेरे को ये चटनी, नहीं तो मैं यहीं उछलने लग जाता वो चटनी खा के. ये अलग ड्राई चिली की चटनी है. और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जरा थोड़ा हिंदी में बताएं कि ये दाल आपने बॉईल की है. यस, हिंदी में बताएं. ये दाल सिर्फ बॉईल किया है और बैम्बू शूट डाला है इसमें, फ्रेश बैम्बू शूट. ओके. और टोमेटो सिर्फ बॉईल और लाइक. देखिए कोई तड़का नहीं, जैसे हम लोग अपने कुजीन में पंजाबी जो वी पुट लॉट ऑफ घी एंड एवरीथिंग, इसमें नहीं है कुछ. नो, नथिंग लाइक नो ऑयल. क्या बात है. और ये चिकन के ऊपर मुझे थोड़ा रेड रेड कुछ नजर आ रहा है, ये क्या चीज है? ये रेड चिली का कलर है क्या? Yeah, this is chili powder and there's also no oil, so अच्छा? Like only like chicken and then fresh dry bamboo shoot and okay. Then chilies, that's it. ये जो ऊपर ये like local herbs. ये जो ऊपर आया, this is dry bamboo shoot. Bamboo shoot. Okay, dry bamboo shoots है, red chili है इसके अंदर, and some chili powder and that's it. Very simply yeah, prepared. And local herbs. That's and it. अच्छा local herbs भी पड़े हैं इसके अंदर. Okay, so I will enjoy my lunch slowly. Thank you so much. मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ पूछना हो तो बुलाऊंगा वापस. Sure, sure. Okay. Thank you. बोलो पक्का पक्का. पक्का पक्का. Thank you. This is like a steam bamboo cooking bamboo shoot. ये तो मैंने मंगाया नहीं था. No, this is from my side. From your side? Yes. ये आपकी तरफ से? Yes. This is what steam? This is like a boiled
फिश कुक विद फ्रेश बैम्बू शूट Boiled fish. Yeah. कौन सा fish use किया इसमें? This we use rahu. Rahu fish. Yeah, rahu. That is that sweet water fish. Yeah, sweet water fish. Okay, yeah. rahu fish. This, yeah. Okay, thank you. Welcome. चलिए खाओ दोस्तों, अब शुरू करते हैं नागा थाली और इसका स्वाद आपको बताते हैं. Very light दाल, मूंग की दाल लग रही है, boiled है ऊपर से और इसके अंदर भी tomatoes पड़े हैं. ली bamboo shoots भी है इसमें दाल में? Yes, fresh bamboo. Okay, fresh bamboo shoots भी हैं इसके अंदर और ये purple rice. कमाल के इनके स्पेशलिटी है नागा की और ली ने मुझे कहा ये खाना आप हाथ से खाओ तो आएगा मज़ा. राइस और इसके साथ में लगाई जाएगी ये थोड़ी सी चटनी, रेड चिली चटनी और दाल का तो फ्लेवर है ही क्योंकि कुछ ज़्यादा मसाले नहीं पड़े हैं. यू कैन एक्चुअली टेस्ट द दाल एंड बैम्बू शूट्स का काफ़ी प्रोमिनेंट फ्लेवर है इसके अंदर एंड दैट टू फ्रेश बैम्बू शूट्स. रियली अमेजिंग. और ये चटनी के साथ मिक्स करके ना तो भाई है क्या फ्लेवर है अपने हिंदुस्तान में. एक ही दाल, मूंग की दाल या कोई भी दाल बनाने के कितने सारे तरीके और सारे तरीके एक से बढ़कर एक. आई रियली लव दिस दाल, इट्स सो लाइट. मतलब कभी कभी लगता है कि वाकई किसी किसी डिश में ना तड़के और मसालों की ज़रूरत ही नहीं, उनका टेस्ट एंजॉय किया जाए तो कितना मज़ा आए. और ये रेड चिली चटनी साथ में जैसे बॉयल्ड कैबेज दी हुई है जैसे अभी बताया लीने की. खूब सारी सब्जियां खाई जाती हैं हर मील में, चाहे नॉन वेज हो चाहे वेज हो, सब्जियाँ का होना मस्ट है. दाल चावल का आ गया मज़ा फ्रेंड्स. अभी ट्राई करते हैं हम इनका चिकन. ये बैम्बू शूट्स के साथ है ये चिकन, ग्रेवी है, रेड चिली का कलर है सारा इसके अंदर और इसमें भी नो ऑयल प्रेपरेशन. पता नहीं कैसे बनाते होंगे, कलर सारा रेड चिली पाउडर और लोकल हर्ब्स का है. डालूंगा तभी मज़ा आएगा. और अगेन डिग इट इनटू इट इन माय हैंड्स. मिर्ची का भी जो रस है ना मिलाया जाए चावलों के अंदर तो मज़ा आएगा. सरप्राइज, वाओ क्या हिट किया जबान में रेड चिली का फ्लेवर और जो भी हर्ब्स इन्होंने डाले हैं. मुझे एक और बात बताई अभी इन्होंने कि इनके जो एसेंशियल रॉ मटेरियल्स हैं वो सब कुछ ये लोग नागालैंड से ही सोर्स करते हैं, जैसे कि लोकल हर्ब्स हुए, फ्रेश बैम्बू शूट्स हुए, चिलीज हुई, मोस्टली एवरीथिंग अभी भी ये लोग नागालैंड से आते हैं तभी इसका टेस्ट इतना ऑथेंटिक है इसके अंदर. वेरी ऑथेंटिक टेस्ट. मैं तो बिलीव करता हूँ कि हम जब इंडिया में रहते हैं जहाँ के इतने डाइवर्स कल्चर्स हैं, इतने इतने तरीके का खाना है, तो हर इंसान को हर जगह का खाना, हर अपने भाई बहन का खाना खाकर ज़रूर देखना चाहिए. पता लगेगा हमारी कंट्री इज सो मच अहेड एंड फुल ऑफ फ्लेवर्स. वाओ चिकन खा के देखते हैं. दिस बॉइल्ड चिकन कुक्ड इन दिस अमेजिंग ग्रेवी. Nice, tender, soft, cooked to perfection. Wow. नहीं मुझे सच्ची नहीं पता इनमें कौन कौन से मसाले पड़े हैं इसके अंदर, लेकिन जो भी हैं कमाल है, बहुत डिफरेंट. फ्रेंड्स अब मैं ट्राई करूँगा ये बॉइल्ड रोहू फिश इन नागा स्टाइल. हाँ हाँ हाँ, स्वीट वाटर फिश है, टेंडर है जो दिख ही रहा है. इसमें थोड़े थॉर्न्स होते हैं तो ज़रा आराम से खाना पड़ेगा. ग्रेवी देखने में इतनी हल्की, इतनी लाइट लग रही है, ना ज़्यादा भुनाई ना ज़्यादा मसाले. तो जस्ट इज दिस फिश फर्स्ट निकालना. कांटे ज़्यादा होते हैं रोहू में तो ज़रा ध्यान से खाना पड़ता है. फिश के जो सारे फ्लेवर हैं वो इस ग्रेवी के अंदर आ गए हैं और बहुत ही डिफरेंट ग्रेवी है इस चिकन की ग्रेवी से. बट फिश लवर्स के लिए ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहेगा जिनको फिश पसंद है.
They will really love this fish and it is a very, very good change. Wow. Usually fish curry, Mumbai mein, Malwani style mein, Karnataka ke style mein bahut milti hai. But Naga style, again, great, like the others. Kamal, bahut achhi hai. उनको बताया ये जो सारी क्रॉकरी है इनकी ये वुडन क्रॉकरी है और ये लोग इसे भी नागालैंड से ही सोर्स करते हैं तो अगेन अ वेरी हेल्दी वे ऑफ ईटिंग यू नो प्लास्टिक की प्लेट्स नहीं है कुछ नहीं है प्रॉपर वुडन क्रॉकरी यूज़ की गई है और हेल्दी फूड इन हेल्दी क्रॉकरी क्या बात तो दोस्तों खूब मज़ा आया आज का जो ये मेरा विजिट था ना ली थैंक्स टू यू इट वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग विजिट बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था नागालैंड के फ्लेवर्स का और नागालैंड के खाने का लेकिन आज मुझे सच्ची में इतना मज़ा आया ना और मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैं क्या मिस कर रहा था और ली अ वेरी स्वीट बॉय अ वेरी फ्रेंडली बॉय बहुत प्यार से खाना खिलाया तो दोस्तों आप भी इसी तरह के खाने ट्राई करते रहिए अलग अलग जगह जाइए घूमिए फिरिए बस आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए और तब तक आप सब खाइए पिए ऐश कीजिए धन्यवाद थैंक यू